अब मैं आपको इतना काम दूंगी, इतना काम दूंगी कि आप दिन रात सिर्फ काम के बारे में सोचेंगे। ये प्यार व्यार जैसे वाहियात ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे। सॉरी, बीवी का फोन है, काट दीजिए। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर आप ऑफिस आवर्स में बीवी से बात करेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। वो नौकरी, आप ऑफिस आवर्स में बीवी से बात करेंगे तो नौकरी कब करेंगे? कर इट, दैट्स लाइक माय बॉय। नमस्कार। तो आज मर्दों के खिलाफ क्या जहर उगलने वाली है? अक्सर मर्द अपने अय्याशियों पर पर्दा डालने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड का सहारा लेते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपके पति रात भर किसी पराई औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा के आया हो तो ये बहाना बनाता है कि डार्लिंग मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को देखने गया था, वो हॉस्पिटल में है, रात भर में वही था। हो गया मम्मी आपका? लेकिन मेरे संजू तो ऐसा कभी नहीं करते। अरे क्या हुआ कश्मीरा, क्या कह रही थी ये कामिनी देवी? हाँ बस मम्मी, कामिनी यही कह रही थी कि हर मर्द अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए दोस्तों का सहारा लेते हैं। वो तो मैं भी करता हूँ। अरे हाँ तो फिर सोच क्या रही है, उनकी दोस्ती तुड़वा। जबान को लगाम दे खिलौनी अपनी, समझ ले मेरी। सुन मेरी बात सुन, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ तू क्या समझता है, क्या समझता है तू कि मैं भी औरों की तरह बाहर जाकर काले कारनामे करूंगा और फिर घर जाकर तेरा सहारा लूंगा मैं? बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है तू, बहुत बड़ी गलत फहमी में। मेरी बात ध्यान से सुन ले खिलौनी, आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। करना मुझे। हाँ चल 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 चल। सॉरी, क्या हुआ कश्मीरा? नहीं कुछ नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये है ना, इनके रहते कहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। चलो ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। टिफिन जीजा मुझे भी साथ ले ले। गोद में उठा लूँ तुझे? तेरे पास भी है ना, तो इनका इस्तेमाल कर, काम की नहीं है तो कटवा दे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, भागते हुए क्यों आ रहे हैं आप? पीछे भूत पड़ गया क्या? इस आदमी की जिंदगी में दो दो चुड़ैले ऑलरेडी हों, उसे किसी भूत से क्या डर लगेगा। जी कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे अब जिंदगी में किसी से भी डर नहीं लगता। अच्छा लगता है, बहुत बहादुर हैं आप। जी मैडम मैं बहुत बहादुर हूँ। आई लव बहादुर पीपल। फिर तो मैं पक्का बहादुर हूँ मैडम। लिफ्ट आ गई। अंधी नहीं हूं मैं। तो बताइए कौन कौन से बहादुरी के कारनामे किया आपने? मैंने मैडम ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत से खेला। नहीं 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 मैडम, मैंने कई लड़कियों की इज्जत गुंडों से बचाई है। इंटरेस्टिंग। और? और? और और एक बार मेरे गांव में चोर घुस आए थे तो मैं अकेला ही उन चोरों से भिड़ गया और फिर मैंने उनको अधमरा करके पुलिस के हवाले कर दिया था। That's interesting. और? 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 और मैंने न जाने कितनी लड़कियों को नदी में डूबने से बचाया है मैडम। तो इसका मतलब बहुत बड़े तैराक हैं आप।
तैराकी के किस्से अगर आप ना ही छेड़े तो मैडम अच्छा है। मैं पानी में कबड्डी खेलता हूँ और एक सांस में मैंने कई नदियां पार कर दी। मिस्टर सैशन, थोड़ी देर के बाद मेरे केबिन में आना। आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क विद यू। ओके, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बग गया? अरे नहीं नहीं यार, सुबह सुबह, हाँ लिफ्ट में देख लिया ना चेहरा तो। सुबह सुबह ही देख लेता हूँ यार, बस उसी इंतजार में बैठा हूँ कि फोन आए, मैडम बुलाएं, कुछ बातें हों और दिन बन जाए। मेरा मेरा, तू मैडम पे ध्यान मत दिया कर ज्यादा, हाँ तू अपना मेडिकल स्टोर संभाल, तू चढ़ा ले सलाइन। सब कुछ लाऊं क्या भाई? जो मुझे चाहिए वो तू नहीं दे सकता। अरे सर क्या आप हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे जो चाहिए वो तू दे नहीं सकता, आखिर क्या चाहिए आपको? बसूड़ी चाहिए। बसूड़ी? अभी तोड़ के लाता हूँ सर। अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग का मट्ठा बना रहा है यार, जा चाय ले आ चल। जी। अजीब आदमी है, 2 करोड़ की लॉटरी क्या लग गई, बॉस बन गया ऑफिस का, अकल 2 कौड़ी की नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन, आप ये छेदीलाल से क्या अश्लील बातें कर रहे थे? मैं सर, मैं कहां क्या अश्लील बातें कर रहा था छेदी से? नहीं, आपने उससे कहा था कि आपको जो चाहिए वो आपको दे नहीं सकता। तो सर इसमें अश्लीलता वाली कौन सी बात हो गई सर? तो खुल के बताइए ना आपको क्या चाहिए। मुझे शांति चाहिए सर। सर उसकी उम्र हो गई है सर, जमुनाबाई चलेगी सर। छेदी अब तो अश्लील हो रहा है। मैं वो वाली शांति की बात नहीं कर रहा था, मैं सुकून शांति वाली शांति की बात कर रहा था, समझ गया? अरे सर वहाँ शांति भी मिलेगी सुकून भी मिलेगा सर, आप एक बार चले जाइए। अरे भिन्ना जाएंगे सर। तू लगता है बड़ा रोज जाता है वहाँ, है ना? कभी कभी जाता हूँ सर। तू खुद तो बिगड़ा हुआ है, मुझ जैसे शरीफ आदमी को भी बिगाड़ना चाहता तू? मिस्टर साजन, ये आप छेदीलाल को डांट क्यों रहे थे? सर आप ही देखिए ना सर, आप अभी मुझसे कह रहे थे कि मैं छेदी से अश्लील बातें कर रहा था, जबकि अश्लील बातें छेदी मुझसे कर रहा था सर। मुझ जैसे शरीफ आदमी को कोठे पर भेजना चाहता है सर वो। व्हाट? यस सर। और सर एक कॉफी के लिए उसे मैंने कब से कहा हुआ, वो कॉफी नहीं आई है। अच्छा, ये छेदीलाल अपने आप को समझता क्या है? 2 कौड़ी का पियून, अरे लॉटरी लग गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम ठीक से ना करे। आज एस चेयरमैन में उसकी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। छेदीलाल! आ रहा हूं सर, केबिन में आइए। आ रहा हूं सर। सर आज आपने बॉस से शिकायत कर दी आपने मेरी आज। हाँ कर दी, चल लेमन चूस ले। भगवान ने भी छांट छांट के लोग भेजे हैं मेरी जिंदगी में, बस एक मैडम ही है, तपती धूप में घना साया। ओहो, घने साये का फोन आया। यस मैडम, यस मैडम, कमिंग मैडम। ओके, मैं आई कम इन मैडम? मैडम हेलो, तो है ही नहीं। आई आई मिस्टर सैशन, कम इन। मैंने पूछा, नॉक किया मैडम। कोई बात नहीं, बैठिए। कॉफी पियेंगे? नहीं थैंक यू। आप कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मेरे पाँव दबा दीजिए प्लीज। जी हाँ, सेवा इसी को कहते हैं। इस बहाने कम से कम आपको छू तो लूंगा। क्या मैडम, दबा देता हूँ। बी योर लिमिट्स मिस्टर साजन, मैं मजाक कर रही थी। एनीवे, तो आप लिफ्ट में कह रहे थे कि आप अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं। ऐसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नहीं मैं हूँ, बहुत बड़ा स्विमर हूँ मैं। That's good. वो क्या है ना मिस्टर साजन, कि मैंने अपनी जिंदगी में कार राइडिंग, बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और पता नहीं कौन कौन सी राइडिंग की है, लेकिन आज तक मुझसे बोट राइडिंग रह गई है। क्यों नहीं की मैडम? मुझे तैरना नहीं आता। ओ, और मेरी ये तमन्ना आप पूरी करेंगे? हाँ ठीक है मैडम, करवा देंगे आपको बोट राइडिंग। आप मुझे स्विमिंग सिखाएंगे?
तैरना 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 सीखना बहुत ही बोरिंग काम होता है वैसे, खामखा की वक्त की बर्बादी है। आप किसके वक्त की बात कर रहे हैं, आपकी या मेरी? नहीं नहीं, मैं आप ही के वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने वक्त की चिंता नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। तो आप मुझे स्विमिंग सिखा रहे हैं? ठीक है मैडम। That's nice. See you tomorrow at the pool. मैं तो पानी देख के भी घबरा जाता हूँ, मैं क्या स्विमिंग सिखाऊंगा, मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं है। जाइए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। Yes. खिलौने? तू सिंधी है क्या? ये तो यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? क्या होता तेरे साथ ही? ए यार, हर बार मेरी किस्मत मुझे पेड़ा दिखाती है और फिर मैं उस पेड़े को पाने की लाख कोशिश करता हूँ लेकिन पेड़ा हाथ नहीं आता यार। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है यार। तेरी किस्मत कम से कम तुझे पेड़े तो दिखाती है यार, मेरी किस्मत आज तक मुझे कुछ दिखाया नहीं यार। मेरी बात हो रही है ना यार, तू बीच में क्यों घुस रहा है? अबे मैं इंसान नहीं हूँ। तू इंसान है कि नहीं है इस पे बहुत लंबी बहस हो जाएगी खिलौनी, क्योंकि कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तू साले चीज क्या है। क्या बकवास कर रहा है बे? अच्छा चल छोड़ना है यार। तू यार ये बता, तू मुझे साला पानी देख के मैं इतना घबरा जाता हूँ तो मेरी घबराहट कैसे दूर होगी यार? ये घबराहट मेरी दूर हो तो मैं फिर तैरना सीखूं, और मैं खुद तैरना सीखूं तो मैं जाके मैडम को तैरना सिखाऊं। यार कुछ सोच यार खिलौनी यार, मेरा ये पानी का डर निकाल दे यार। तू यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं तुझे ऐसे सिखाऊंगा कि तुझे समझ में नहीं आएगा कि तूने अभी अभी तैरना सीखा है। बेटा मछलियों की तरह तैरेगा तू, यूं अंदर ही अंदर सनसनाहट निकल जाएगा। सच में? फिर थैंक यू यार खिलौनी यार, थैंक्स यार। 10 बज गए यार, अरे पीते पीते पता ही नहीं चला टाइम का। मेरी सास और साले ने तो आग लगा दी होगी घर पे। रात के 10 बज रहे हैं कश्मीरा, और वो दामाद का बच्चा अभी तक नहीं आया। मन्ना तो लग रहा है कि जीजा कहीं मौज ले रहा है। क्या मौज ले रहा होगा? होएगा किसी छोरी वोरी के साथ। जीजी मारे क्यों है? भोपू के बच्चे, मैंने तुझे इस घर में इसलिए नहीं रखा है कि तू रोटियां तोड़े, बल्कि इसलिए रखा है कि तू अपने जीजा पे नजर रख सके। लेकिन नहीं, तुझे तो छोरियों के पीछे घूमने से फुर्सत कहाँ है। लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे जीजा किसी दिन किसी को यहाँ ले आए ना तो तेरी नाक कान काट दूंगी मैं। हाँ अरे नाक कान काटना है तो उस कमबख्त के काट, बेचारे मेरे भूपेश के नाक कान क्यों काटेंगे? मम्मी वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, संजू को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। तू ना एक नंबर का डरपोक है, चल मूड बना। अबे तेरी बीवी के अंदर चुड़ैल आती होती ना तो फिर तुझे पता चलता। यार तो कोई बहाना कर देने यार तू। अरे अभी चल, छोड़ 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 दे अभी, छोड़ चल। अरे तो मैं क्या करूंगा? अरे चल ना यार, तू चल मेरे साथ। वो भी ना कसम से यार, चल रख दे यार खिलौने। यार रोज लगातार लेट हो रहा हूँ यार, आज तो कश्मीरा मार ही डालेगी। मेरे पास भी एक आइडिया है, चल चल। जीजी, अरे अरे यो तक जीजा एकदम टूल होकर आ रहा, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे मम्मी झूले से उठ जा, यहाँ आदमी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तू झूले ले रही है, खड़ी हो। ये संजू को क्या हो गया? बेहोश हो गया भाभी। कैसे बेहोश हो गया? स्विमिंग पूल में कूद पड़ा था। इस स्विमिंग पूल में क्यों कूद गए थे? एक औरत को बचाने के चक्कर में। कैसी औरत थी? औरत जैसी थी। अब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जवान थी कि बूढ़ी थी? बूढ़ी थी। बूढ़ी थी तो स्विमिंग पूल में क्या कर रही थी?
कह रहे थे? जब वो तैरना जानती थी तो डूबी क्यों? वो दमा का अटैक आ गया था। जब उसे दमे की बीमारी थी तो तैरने क्यों गई? अरे भाभी जी, अब ये सवाल उस बुढ़िया से जाके पूछिए ना। है? फिर हाल तो इनको संभालिए, बड़ी मुश्किल से बचा के लाया हूँ। कमबख्त कह रहा था कि तेरी मेरी दोस्ती खत्म, बताइए। खिलौनी भैया नाराज मत होइए, इनकी मजाक करने की आदत है। वैसे थैंक यू खिलौनी भैया। भाभी कुछ खाने के लिए? भोपू जी जुगो आता दीजा। अरे संभाल के जीजा, एकदम लाश सा हो रहा जी। अरे मारे क्यों है? आंटी खाने के लिए। चल हट। संजू, संजू होश में आओ संजू। क्या फायदा होश में आने का, जैसे ही होश में आऊंगा तुम राशन पानी लेकर चढ़ जाओगी, इसलिए मैं बेहोशी टिकूं भैया। संजू, संजू। जीजी मन्ने तो लागे है कि जीजा कोमा में चला गया। अबे साले कोमा में जाए तेरी माँ। ए कश्मीरा, मुझे तो लगता है कि ये नौटंकी कर रहा है। हाँ, एक बाल्टी ठंडा पानी इसके मुंह पे मार, फिर देखना कोमा से भी बाहर आ जाएगा। ये गुरिल्ली क्या बकवास कर रही है? अरे मम्मी यो बात ना तूने एकदम सही कही। अभी है ना, मैं एक बाल्टी ठंडा पानी लेके आता हूँ बर्फ डाल के। जैसी जीजा के ऊपर पड़ेगा ना, ये जीजा भिन्ना सा उठेगा। आगा होश में। मैं कहा हूं? तुम कौन हो बहन जी? बकवास कर रही हो संजू, मैं तुम्हारी बीवी। दिमाग में लगता है पानी चला गया है, पूरी याददाश्त पानी पानी हो गई है। मैं जंगल में आ गया हूँ क्या? ये गुरिल्ली कौन है? ए कश्मीरा, देख तो रे, ये मुझे गुरिल्ली कह रहा है। मम्मी प्लीज, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा लगे हाथ, ये भी बता दो स्विमिंग पूल में क्यों कूदने गए थे? मालूम था मुझे तुम यही सवाल करोगी। मैं कुछ पूछ रही हूँ संजू, स्विमिंग पूल में क्यों कूदने गए थे? अरे वो खिलौनी आत्महत्या करने के लिए स्विमिंग पूल गया था, उसे बचाने गया था मैं। लेकिन जब मैं उसे बचाने के लिए वहाँ स्विमिंग पूल में पहुंचा तो मैंने देखा कि ऑलरेडी एक बुढ़िया डूब रही थी, तो मैं उस बेचारी बुढ़िया को बचाने के लिए कूद गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं और बुढ़िया दोनों डूबने लगे। फिर मुझे और खिलौनी को बुढ़िया ने बचाया। मतलब बुढ़िया और मुझे खिलौनी ने बचाया। मतलब खिलौनी भैया को तैरना आता है? हाँ, बहुत बड़ा तैराक है खिलौनी। तो स्विमिंग पूल में आत्महत्या करने क्यों गए? वो तो तैर के बच सकते थे ना। हाँ, मैंने भी उसको यही बोला। पहले तो उसको मैंने पकड़ के 3-4 झापड़ मारे। मैंने कहा कि तू कहीं बिजली की तारों से लटक के मर जाता, चमगादड़ बन जाता, या कहीं 20वीं मंजिल से जाके कूद के मरता। बस बस संजू रिलैक्स, तुम आराम करो। इसको हटाओ ना सामने से, इसको देख के चक्कर आ रहे हैं गंदी शक्ल। अरे मम्मी, मम्मी मेले मूली की चटनी बना दियो तू। तुम अच्छे से आराम करो। साजन। हाँ बोल बेटा। क्या जरूरत थी तेरे को ये बोलने की कि मैं बुढ़िया को बचाने के लिए पानी में कूद गया था? तेरे एक झूठ की वजह से मुझे 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं यहाँ पर। तूने देखा नहीं भाभी कितनी उलझुल सवाल कर रही थी हैं वकीलों की जैसे? मैं क्या करता बे? मैडम का क्या करूं, वो तैरने के लिए उतावली बैठी है। लेट मी थिंक बड़े, मैं सोचूंगा, तू चिंता मत कर, ठीक है? और वहां से निकल तो उठ, वहां से तेरे को मना किया ना घर के बाहर बैठ के मत पिया कर। उठो, हो गया बेटा, चल मिलते हैं शाम को, बाय। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार?